त्योहार के सीजन में भारत में उड़ने वाले विमानों में बम रखे जाने की अफवाह लगातार आ रही है, जिससे पूरे एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। ताज़ा मामला गोरखपुर का है, जहां बेंगलोर से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल तो की, लेकिन कुछ मिला नहीं। मामला गोरखपुर के अकाशा एयरलाइन का है, जहाँ गोरखपुर अकाशा एयरलाइन की बेंगलोर से गोरखपुर वाली फ्लाइट में रविवार दोपहर में बम होने की सूचना पर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। बम निरोधी दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ एयरपोर्ट पर अधिकारी सघन जांच करने में जुट गए। विमान में बम होने का मैसेज मिलते ही बम थ्रेट असेसमेंट समिति में शामिल सेना, पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस भी बुला ली गई। यात्रियों के साथ साथ यात्रियों के सामान को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सुरक्षा घेरा बनाकर विमान की गहन जांच भी की गई। गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक आर के पराशर ने बताया कि अकाशा एयरलाइन के अधिकारियों को बेंगलुरु से आने वाली विमान में बम होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना उन्होंने हमें दी। उसके बाद इसकी जांच की गई, लेकिन फिलहाल जांच में कुछ भी नहीं मिला। गौरतलब है कि भारत में उड़ने वाले फ्लाइट्स में लगातार इस तरह के अफवाह सुनने को मिल रहे हैं, जिसकी भारत सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो ये सूचना आ रही है, उससे उनकी जानकारी भी मांगी है। ये जहाज बेंगलोर से 11:25 में उड़ती है, और जब जहाज आकाश में थी तब आकाशा को 12:36 में इन्फॉर्मेशन मिला हमें गोरखपुर में आकाशा के ट्विटर से कि जहाज में बम की सूचना है। फिर हमने जितने भी सारे एजेंसियां हैं सबको सूचित किया। BTAC एक कमेटी हमारी होती है, कमेटी फॉर्म हुआ 12:38 में ही। हमने जो है सो उसको डिक्लेयर किया कि नन स्पेसिफिक कॉल है। नन स्पेसिफिक डिक्लेयरेंस के बाद तो हमने सारे एजेंसियों को, कासो को, CO को, टीम फायर को, BDDS को, एम्बुलेंस को, मेडिकल को, सारे को इन्फॉर्म कर दिया गया। सारे सब पहुंच गए, फ्री में जहाज में लैंड किया। पैसेंजर को तुरंत 20 मिनट के अंदर में खाली कराया गया, पैसेंजर को जगह पर पहुँचाया गया। उसके बाद जहाज की चेकिंग जारी है, जो अभी जस्ट समाप्त हुई है। 3 बजे एयरपोर्ट पर वैसे ही सुरक्षा रहती है, लेकिन सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए आप लोग किस तरह अभियान कर रहे हैं, आप किस तरह तेजी ला रहे? हमारी सुरक्षा जो है पूर्ण रूप से एकदम है, प्रूफ है, एकदम फुल प्रूफ है। हमारे यहाँ कोई कमियाँ नहीं है सुरक्षा में। 5-6 लेयर में सुरक्षा होती है। इस तरह के जो भी कॉल आ रहे हैं, होक्स कॉल आ रहे हैं, परेशान करने के लिए आ रहे हैं सरकार। UP News 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।